उसमें ज्यादा कुछ चॉइस नहीं रहती उसे फ्लावर सारा ही मैंने छुपा कर रखा है। भाग्य भाग्य को आज आया है फीवर। पोस्ट होम है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हो या डीआईवाई होम डेकर के आइडियाज आपको देती हूँ। ज्यादातर मेरे ब्लॉग के वीडियो बच्चों के साथ ही रहते हैं। कॉपीराइट भी लगा हुआ है। ट्रेडमिल वैसा का वैसा ही पड़ा है। हाय फ्रेंड, केम छो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होगे, बहुत ही मजे में होगे। उसी आशा के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है फ्राइडे और राति और भाग्य का दोनों का ही आज हाफ डे था और मेहुल की आज वैसे तो ऑफ रहता है 6 दिन का, पर थोड़ा सा आज जाना पड़ा नाइट ड्यूटी में, तो वो नाइट में चले गए हैं। हमारा सभी का खाना भी साथ ही साथ मैंने बना लिया है, क्योंकि अब थोड़े दिन से क्या है कि मैंने वॉक करना और साथ में जॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक मेरी फ्रेंड है, उसके साथ में वॉक करने और वॉक के साथ थोड़ा क्या है कि जॉगिंग भी कर लेते हैं। तो क्या रहता है कि जब स्टार्टिंग में कोई दौड़ना वगैरह रहता है तो थोड़ा पैर वगैरह दुखता है, एक दो दिन ही दुखता है, पर फिर क्या होता है कि हैबिट हो जाती है तो कुछ फिर दिक्कत नहीं होती। पर ये सभी काम में पहले तो हमें हमारे माइंड को सेट करना रहता है कि क्या है कि हम सोचते रहते हैं कि आज हम यहाँ पर भाग्य और प्राति दोनों का ही व्लॉग की चैनल चलती ही रहती है। और फिर क्या है कि मैं क्या कह रही थी कि क्या है कि कोई भी वजन वगैरह कोई भी घटाना हो तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, तो वैसे ही वैसे टाइम निकल जाता है। पर एक पॉइंट आता है कि जब हम एकदम ही हमारे माइंड को मना लेते हैं कि बस आज से ही स्टार्ट करना है, बहुत हो गया, तो वही है। क्योंकि क्या रहा, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट की है तो मेरा एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा कम हो गया है। वो रे देख सकते हो आप, ट्रेडमिल वैसा का वैसा ही पड़ा है। कपड़े टांगने के लिए यूज होता है वैसा ही, उसका वही काम है, अभी कोई भी उसको यूज नहीं करता। तो अभी बस वही सिनारियो है कि सब काम वगैरह हो चुका है, अभी भी हम वॉक करने जाएंगे। और फिर मैंने क्या किया कि आज मैंने एक वीडियो देखा भाग्य, और आप सबको पता नहीं होगा पर भाग्य और भ्राति की एक चैनल है, तो मैंने सोचा कि अभी देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, उसमें क्या प्रोसेस वगैरह है, क्योंकि उसमें 2-3 वीडियो ही डाले हैं। तो मैंने देखा कि अचानक से भ्राति का डांस वाला वीडियो जो है वो उसमें आ गया, उसमें अपलोड हो चुका था। कभी हम जब इंडिया गए थे तब ये दोनों ने कब शूट कर लिया और कब उसमें ऐड कर दिया, मुझे थोड़ा आइडिया था कि प्राति का वैसा है कि वो बात बात में बोल देती है कि मम्मा मैंने ये डांस किया था और यहाँ डांस किया था और फिर हमने वीडियो बनाया है। और तो फिर मैंने देखा तो उस वीडियो में कॉपीराइट भी लगा हुआ है और वैसे ही भाग्य ने अपलोड कर दिया है। तो पहली बार प्राति ने टीवी में देख के इस तरह का बॉलीवुड डांस किया है, तो मैं उसको इसके साथ ज्वाइंट कर दूंगी। आई होप के आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी। अच्छा तो ठीक है, पर खुशी होगी क्योंकि छोटे बच्चों को इस तरह से क्यूट सा डांस करते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर क्या है कि मैं ज़्यादातर मेरे ब्लॉग के वीडियो बच्चों के साथ ही रहते हैं, और DIY वगैरह कुकिंग वगैरह वो मेरे ब्लॉग में ज़्यादा रहता है, या फिर ट्रैवलिंग हम करने जाते हैं तो उसका भी थोड़ा बहुत है वो रहता है। तो अभी तो क्या है कि YouTube चैनल स्टार्ट की है, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता, आप सबको ही पता चलता रहेगा। और फिर आज मैं थोड़ा बहुत क्या है कि यहाँ पर मेन मेरी चैनल है जो पहली वाली अपेक्षा लाइव करके, उसमें मैं जीरो कॉस्ट होम है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हो या DIY होम डेकर के आइडियाज आपको देती हूँ, तो उसका मटेरियल ज़्यादातर हम इंडिया जाते हैं तो इतना रहता है, यहाँ से इतना लिस्ट बनाकर जाते हैं ये लेना है वो लेना है, और वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर
कुछ भी नहीं लेते, हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलेगा, और फिर से यहाँ आते तो वही प्रॉब्लम रहता है कि ये मुझे चाहिए था, क्यों नहीं लिया वो सब। तो कल हम गए तो लुलू में क्लियरेंस, थोड़ा बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, मीन्स के होम डेकोरेशन की चीज़ें जो है क्लियरेंस में निकाली थी, वरना यहाँ पर बहुत ही महंगा मिलता है। और जो वो होम डेकोर की चीज़ें मिलती है उसमें भी मैं थोड़ा बहुत DIY करती हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस करती हूँ, और फिर वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो थोड़ा बहुत लेके आई हूँ, वो आपको बताती हूँ। और भाग्य यहाँ पर क्या कर रहा है देखते हैं। सो करे छे भाग्य, और भाग्य यहाँ पर खाने का काम कर रहा है, और भाग्य को आज आया है फीवर। अच्छी है वो ताव बात दुखे छे आज तो, क्यों मूवी जोश। दोपहर को भाग्य ने खाना भी नहीं खाया था, 1 बजे सो गया था, तो 5 o'clock के उठा है। और आँख सुन, क्यों पिक्चर, क्यों मूवी से भाग्य मदागास्कर 3। ओके, तो यही यहाँ पर सब अंधेरा अंधेरा कर दिया है, मेहूल से सभी लाइटें ऑफ करके ही जाते हैं, उसको लाइटें बिना बजा चालू रहे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो ये सारा ही मैंने छुपा कर रखा है, वरना क्या है कि भ्राति को अगर पता चल गया तो इसमें से आधी चीज़ मेरी चली जाएगी, या टूट जाएगी, या रीयूज हो जाएगी। तो वो नहीं है तो बता देती हूँ सारा कुछ। और मेरा ये बैठ के बात करने का यही फेवरेट कोना है, मुझे कोई भी वो पीछे बैकग्राउंड रखना और फिर बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी है मैं उसमें बैठ जाती हूँ। और इस तरह की जो हैंगिंग लाइट रहती है आप देख सकते हो इस तरह की, तो बहुत ही महंगी मिलती है। तो क्या रहता है कि सीलिंग में हम लगाना रहता है, या फिर वॉल में भी लगा सकते हो। तो ये मुझे चाहिए थी और एन टाइम पे मिल गई। तो यहाँ पर हमें लैंप लगाना है, यहाँ पर इस तरह से लगा देना है और यहाँ पर लैंप लगाना है। तो ऊपर जो भी इसका वो रहता है कवर, या फिर आप क्या बोलते हैं शेड, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारे आइडिया है इसके बारे में, तो अभी देखते हैं। तो ये खाली 2 दिरहम का ही आया था, तो मैं 3 ले लिए, उसके साथ ये बुक वगैरह भी आती है आप देख सकते हो। और ये पूरा ही आप देख सकते हो फ्लावर पॉट है, और इस तरह सा ही प्लेन सा है, तो इसमें भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। और कितने ब्यूटीफुल से फ्लावर है आप देख सकते हो। तो ये देखो 5 दिरहम का ही था, वो भी ले लिया। और ये एक पॉट है, ये भी 5 दिरहम का था, पर इसमें फ्लावर्स नहीं थे। और एक डाली है, ये कितने दिरहम की है, 3 दिरहम की। 1 दिरहम मीन्स के इंडिया के 22 रुपीस अभी है शायद। और इस तरह के गुलदस्ते 5-5 दिरहम के है। तो मैं देखती हूँ अभी, आप देख सकते हो कोई इसमें अलग अलग भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये बंधा हुआ है तो हम निकाल सकते हैं, और एक के कॉपी यूज़ कर सकते हैं। वरना मैं क्या कर सकती हूँ, करती हूँ कि फ्लावर ऊपर से काट के भी इसका यूज़ करती हूँ। अब डिपेंड है कि कौन सा कैसा होम डेकर हमें बनाना है। और इस तरह के वॉल स्टिकर 2-2 दिरहम में थे देख सकते हो, वरना ये 10-12 दिरहम का आता है। पर क्या है कि उसमें ज़्यादा कुछ चॉइस नहीं रहती, तो जो है वही मैंने लिए थे, बहुत सारे काम में मेरे आ जाएंगे। और इस तरफ के
आप देख सकते हो ये भी वॉल स्टिकर है जो ऑयल प्रूफ वाटर प्रूफ वाले रहते हैं जो मैंने किचन में लगाए हुए हैं गैस स्टोव के पीछे, तो ये वही वाले हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से पीछे लगाया गया है। तो ये भी एक एक ग्राम का था तो मैं 10 पीस इसके भी ले लिए। तो बस इतना ही लिया है, इतना ही था। ज़्यादा वो तो इसमें चॉइसिस थी पर मैंने ये दो ही लिए हैं, वरना क्या है कि यहाँ पर इसमें इतने पैसे में कुछ भी यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट की और ख़ास करके होम डेकर की चीज़ें मिलती नहीं है। मुझे सबसे अच्छा जो है ये लगा है, बहुत ही अच्छा है। कैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, ओरिजिनल आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी बस यहाँ से देखती हूँ अभी कितना व्लॉग लंबा हुआ है, वरना थोड़ा बहुत मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो आई होप के व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो कमेंट जरूर करना और लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।